ब्यावर के लिए राहत भरी खबर आई है। जी हाँ, 68 लोगों की रिपोर्ट यहाँ पर नेगेटिव पाई गई है। 5 पॉजिटिव मामले मिलने के बाद में कई चिंताएं बढ़ गई थी, लेकिन उसके बाद में 68 लोगों की रिपोर्ट आने से, यहाँ पर नेगेटिव पाए जाने से कहीं ना कहीं प्रशासन ने और ब्यावर वासियों ने राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि जो 5 पॉजिटिव मामले हैं उसमें एक गणेशपुरा और कसाबन मोहल्ला, 2 मसूदा और 1 रायपुर से ये मामला सामने आया था। यहाँ पर यह भी सामने आया था कि रायपुर को कहीं ना कहीं दिल्ली मरकज से जोड़ा गया, लेकिन ये यहाँ पर अस्पताल प्रबंधन ने उसका का खंडन करते हुए यहाँ पर उस बात को खारिज किया है। उनका ये कहना है कि ऐसा कोई मामला उससे जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि दिल्ली किसी काम से जाना बताया गया युवक को। उस तरह से धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए यहाँ पर आह्वान किया है कि सभी इस बात का खंडन करते हुए उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में यहाँ पर अस्पताल प्रबंधन जुड़ गया है। और उनका कहना है कि कहीं ना कहीं इसके सोर्स ढूंढा जा रहा है कि ये आखिर में कोरोना कहाँ से यहाँ पर प्रवेश किया गया। उसके अलावा जो अन्य क्षेत्र है जहाँ पर कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों में जहाँ पर ये पॉजिटिव मामले पाए गए थे, उन क्षेत्रों में भी ये तफ्तीश की जा रही है कि आखिर में ये सोर्स कहाँ से मिला। तो इसके लिए अलग से टीम बनाई गई है जो इस बात का पता लगा रही है कि आखिर में ये कोरोना संक्रमण यहाँ पर कैसे पाया गया है, उसकी भी अलग से जाँच की जा रही है। फिलहाल प्रशासन ने तमाम शहरवासियों से घरों में रहने की अपील करते हुए सरकारी नियमों की पालना करने की बात कही है। कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों में पुलिस ने सख्ती बरतते हुए सभी से आह्वान किया है कि कोई भी दोपहिया वाहन पर 2 जने बाजार में नहीं जाए, अनावश्यक रूप से ना घूमे, उस पर कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे में इस वक्त की बड़ी खबर, राहत की खबर, कि 68 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई और 5 लोग जो कि पॉजिटिव आए हैं, उसके बाद में अभी फिलहाल कोई पॉजिटिव मामला नहीं पाया गया और 15 लोगों की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। बता दें कि 83 सैंपल कल भेजे गए थे, उसमें से करीब 15 की बाकी चल रही है रिपोर्ट और 68 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। वहीं मामले की बात करें, पॉजिटिव मामले में जो जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, पहले जो दावे किए जा रहे थे, उन दावों का खंडन कर यहाँ पर अस्पताल प्रबंधन ने साफ किया है कि अभी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर और जो विभिन्न सोर्सेस हैं उन पॉजिटिव मामलों से जुड़े हुए लोगों के, वो यहाँ पर साफ बाद में रखे जाएंगे। अभी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि वो दिल्ली से जुड़ा मामला है या कहीं और से जुड़ा मामला है। उन तमाम बातों का यहाँ पर उन्होंने खंडन किया है।